Assalamualaikum everyone, my name is Reha, welcome to my kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, वो भी मेरी स्टाइल में, सिंपल, आसान, मजेदार और जायकेदार. चले शुरू करते हैं. हम बनाना शुरू करते हैं. जैसे जैसे हम चीजें डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि कब कब हम क्या क्या करेंगे. लिड हटाते हैं, अपना इसमें ऑयल डालते हैं. ऑलमोस्ट 8 टेबल स्पून हमारे पास 2 कप ऑनियन है, वो डालते हैं इसके अंदर. ठीक है, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे. हमारी ऑनियन यहाँ पे बहुत अच्छे से डन हो रही है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 4 पाउंड चिकन है, बोटियां की हुई हैं इसके सारी. इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये, और इसके साथ हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे इस टाइम पे. हम जब तक ये व्हाइट नहीं हो जाता, हम इसको इसी तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे. ये बहुत अच्छा सा हमारा यहाँ पर डन हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है, हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ में इसके शाही जीरा भी है. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ मसाले हैं. मेरे पास 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास क्यूमिन सीड है, 1 टीस्पून मेरे पास क्रश लाल चिल्ली है, 1 टीस्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास पिसा गरम मसाला है, और 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, सॉरी जीरा पाउडर है. ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे अच्छे से. अब डाल देते हैं इसके अंदर. चल अच्छे से सारे मसाले अपनी बोटियों पर चढ़ा लेंगे. हमने एटलीस्ट 5 मिनट तक अपने सारे मसालों को चिकन के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है. इसको बहुत भून लिया है हमने, फ्राई हो गया ये ऑलमोस्ट. ये देख लें, इस पर सारी बोटियों पे मसाले चढ़ गए अच्छे से. अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट. ओके, अब हम इसको मिक्स करते हैं इसके साथ. यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट है. ये बहुत सख्त है मेरा पेस्ट इस टाइम पे, ये डिफरेंट पेस्ट लेके आई हूँ मैं. ओके, ये चला जाएगा. साथ में 1 कप हमारे पास योगर्ट है, वो चली जाएगी. इसी के साथ में योगर्ट डाल देते हैं टमाटर के साथ पेस्ट. ठीक है, ये 2 चीजें मेरी चली गई हैं. अब इनको मिक्स करते हैं आराम से. दही के पानी में ही हम अपनी चिकन को गला लेंगे अच्छे से.
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कोरमा पूरा रेडी हो गया है, हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी काफ़ी इसका ऊपर आ गया है। यहाँ पे मेरे पास एक कप टमाटर है, वो मैं इस टाइम पे इसमें ऐड करूँगी, अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और इसको दम पे लगा दूंगी ताकि इसका मजीद ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाए, ठीक है। और हमारे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए, हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमको थोड़े हल्के सॉफ्ट चाहिए। रख देंगे, जब तक हमारी चिकन डन हो रही है हम अपना पानी रेडी कर लेते हैं चावलों के लिए। ओके, ये मैंने यहाँ पे 6 कप वाटर डाला है, अब मैं इसके अंदर कुछ चीजें अपनी ऐड करूंगी, हम अपने राइस को भी बहुत अच्छा सा बनाएंगे, यम्मी सा। ओके, राइस दिखा देती हूँ, ये मेरे पास बासमती राइस है, मैंने 3 आवर्स पहले इसको इस तरीके से पानी में सोक किया हुआ था, ये 3 कप है, ठीक है, ये 3 कप है, मैंने इनको अच्छे से वॉश करके पानी में सोक करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून सॉल्ट डालते हैं पानी के अंदर। चल, सॉल्ट चला गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ गर्म मसाला है, एक बड़ी इलायची है, 4 ग्रीन इलायची हैं और 4 जो है हमारे पास लौंग से, सारी चीजें 4-4 है, ठीक है, बस बड़ी इलायची 1 है हमारे पास, ये हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास लेमन जूस है, हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालते हैं, 1/2 डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है, हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं केवड़ा वाटर, हम 1/2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल देंगे। चल, हमारा ये वाटर रेडी हो गया, अब हम इसको कवर करते हैं और सिंपली इसको बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, हम इसका लिड हटाते हैं और इसके अंदर हम अपने राइस डालते हैं जो हमने 3 आवर्स पहले भिगोए हुए थे, अच्छे से ये सोख हो गए हैं। तो एटलीस्ट जब भी आप राइस बनाएं तो कम से कम उसको 3 आवर्स जरूर जो है वो सोख करें पानी के अंदर। हम इसको अच्छे से चला देंगे, इसके बॉईल होने का वेट करेंगे। हम आपको अपना चिकन दिखा देते हैं, पूरा रेडी हो गया है, बहुत ही गर्म है, हमने इसको चूल्हा बंद कर दिया है, ये बिल्कुल रेडी है, राइस हमारे बॉईल हो गए हैं बहुत अच्छे से, देख लें ये राइस हमारे रेडी हो गए हैं सारे, तोड़ के दिखा देते हैं, ये बहुत आसानी से टूट रहे हैं। हम स्टोव को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और अपने राइस को ड्रेन कर लेंगे। तो अपने राइस जो है 1/2 राइस हम इसके अंदर डालते हैं। हमने इसमें डाल दिए अपने, अब हम अपना मसाला डालेंगे। मेरे पास एक बड़ा आलू था, मैंने इस तरीके से थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको बॉईल कर लिया, मैं आलू डाल रही हूँ इसके अंदर ऊपर से बॉईल आलू, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालें, मेरे बच्चों को बिरयानी में आलू चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा हल्दी डाल के मैंने बॉईल किया इसको। यहाँ पे हमारे पास 1 कप फ्राइड ओनियन है, वो डाल देते हैं हम इसे, सब तरफ डाल देते हैं। यहाँ पे पास मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, मैंने इस तरीके से उसको स्लाइस में कर लिया, वो डाल देंगे हरी मिर्चें। धनिया है 1/2 कप, वो चला जाएगा।
वन कप मिल्क है मेरे पास, ये जाएगा। मिल्क जरूर यूज करें बिरयानी में, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मिल्क। मेरे पास कुछ लेमन के स्लाइस हैं, वो डाल देते हैं। यहाँ पे बचा हुआ लेमन जूस है, वो डाल देंगे। मेरे पास पिसा गरम मसाला है, मैं इस टाइम पे 1 टेबलस्पून डालती हूँ इसमें। इसमें इलायची पाउडर सारी चीजें शामिल है। अब हम बाकी के राइस डाल देते हैं इसके अंदर। प्लेट कवर करेंगे, दम पे लगाएंगे। अगर इस टाइम पे अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं जर्दे का रंग शामिल नहीं करती, डालती नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर डालें। मेरे पास यहाँ पे किचन टॉवल है, टिश्यू, ये मैं इस पर रखती हूँ ताकि स्टीम इसके बाहर ना निकले। हमारे राइस भी गर्म है, हमारा सालन भी गर्म है, तो ये इसकी स्टीम जल्दी आ जाएगी, दम पे लग जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं अब हमारी बिरयानी के क्या हाल है। इसको 15 मिनट हो गए यहाँ पे दम पे लगे हुए। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया। अब हम इसको टर्न ऑफ करते हैं चूल्हे को और इसको मिक्स करते हैं। हमारी चिकन की बिरयानी बनके रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है आप ये डिश जरूर ट्राई करेंगे। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अब चलती हूँ, फिर लौट के आऊंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।